आज के समय का वन ऑफ द कॉमन सवाल ये है कि पीसी लिया जाए या लैपटॉप लिया जाए। ये सवाल आज के समय और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आज के समय जो लैपटॉप है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। आज मैं आपका यही कंफ्यूजन दूर करूंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि थर्ड पॉइंट इसमें ऐसा है जिसको आप कभी मिस नहीं करना चाहेंगे और फिफ्थ पॉइंट के बिना आपका डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। पहला पॉइंट है बैटरी लाइफ। हमें जैसा पता है कि बैटरी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप में होता है, वो पीसी को हमेशा प्लग करके रखना पड़ता है। आज भी इंडिया में बहुत सारे रूरल एरिया में बहुत देर के लिए लाइट जाती है, जैसे मैं भी एक रूरल एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे भी बहुत लाइट जाती है। आप अगर रूरल एरिया में रहते हैं और आपका काम है कि बीच में कट नहीं सकता तो आप लैपटॉप लें। दूसरा पॉइंट है स्टोरेज। हमें जैसे पता है कि स्टोरेज जो है वो पीसी में आप बढ़ा सकते हैं, पीसी में आपको एक्स्ट्रा पोर्ट दिया जाता है, लैपटॉप में भी एक्स्ट्रा पोर्ट दिया जाता है लेकिन कम दिया जाता है, उसमें आप कम बढ़ा सकते हैं। पीसी में आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और पीसी ज़्यादा जगह भी रखता है ज़्यादा स्टोरेज रखने के लिए, जैसे उसमें 4-5 हार्ड ड्राइव के स्टोरेज के जगह होते हैं, आप उसमें SSD भी लगा सकते हैं, सेटा SSD, NVMe SSD। लेकिन लैपटॉप में आपको बस 1-2 स्लॉट दिया जाएगा एक्स्ट्रा जिसमें आप लगा सकते हैं, वरना आपको एक्सटर्नल ड्राइव लगाना पड़ेगा जिसका स्पीड उतना अच्छा नहीं होता जितना इंटरनल ड्राइव का होता है। तीसरा पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। ये देखिए इतना छोटा फॉर्म फैक्टर में आता है, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। जो मैंने कहा था ना तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही है क्योंकि ये बाकी सारे पीसी के पॉइंट को बीट कर देता है। पोर्टेबिलिटी, आपको इसको कहीं पे भी लेके जाना हो, किधर भी लेके जाना हो आप लेके जा सकते हैं। खिड़की पे बैठ के काम करना हो, खिड़की के बाहर बैठ के काम करना हो आप कर सकते हैं। और इसका फॉर्म फैक्टर आप देख ही सकते हैं, आप इसको हाथ में भी रख के चला सकते हैं लेकिन पीसी को आप हाथ में रख के नहीं चला सकते। ये इसी वजह से इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि ये पोर्टेबल है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्राइस। ठीक है, प्राइस देखिए लैपटॉप का बहुत महंगा पड़ता है कंपेरेटिवली तो पीसी। आप जैसे ये जो लैपटॉप है ये तकरीबन 70,000 का है, 70 से 80,000 का है। ठीक है, इसमें जो प्रोसेसर मिलता है, इसमें जैसे प्रोसेसर है इंटेल कोर i5 है, ये ईवो सर्टिफाइड है और 8 GB रैम है और कुछ स्टोरेज है इसमें, 512 GB का SSD, NVMe SSD। आप अगर 70 से 80 हज़ार का फुल पीसी बिल्ड करेंगे तो इससे बहुत ही सस्ते प्राइस में ऐसा परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में आप ज़्यादा पे करके उतना परफॉर्मेंस नहीं ले सकते जितना आप एक पीसी बिल्ड से ले सकते हैं। अब आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जाहिर सी बात है पीसी का ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं आपको एक और पॉइंट यहीं पे साथ साथ बता देता हूँ, डिस्प्ले। देखिए डिस्प्ले इसमें फिक्स हो जाता है, ठीक है, इसका पास एक ही डिस्प्ले है और लेकिन यहाँ पे एक HDMI पोर्ट है, इधर एक HDMI पोर्ट है। आप एक एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा सकते हैं लेकिन पीसी में आप मल्टीपल डिस्प्ले लगा सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छा हो जाता है। अपग्रेडेबिलिटी उसमें ज़्यादा है, इसमें जैसे कि कम स्लॉट दिया हुआ है, कम पोर्ट्स है और इसके अंदर आप SSD अपग्रेड कर सकते हैं, रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। डेट्स वाई पीसी में ज़्यादा अच्छा है वो, उसमें आप 16 GB लगा सकते हैं बाद में, जैसे आप अभी सस्ता बिल्ड कर लेते हैं बाद में आप 16 GB लगवा सकते हैं रैम, बाद में आप स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, तो अपग्रेडेबिलिटी में वो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट पॉइंट है आपकी चॉइस, आप क्या लेना चाहते हो और क्या नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है क्योंकि डिपेंड एट द एंड आप ही पे करता है कि आपका काम क्या है, आप काम करते क्या हो। अगर आप बहुत ज़्यादा घूमते रहते हो तो आपके लिए पीसी भले ही ज़्यादा परफॉर्मेंस दे लेकिन अच्छा नहीं है, और आज करके लेकिन लैपटॉप भी बहुत पावरफुल होते हैं, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप ख़राब है, जैसे मैकबुक एयर M1 ये सब बहुत ही अच्छा है और आजकल तो मैक मिनी ये सब भी निकल गया है अच्छा वाला, आप वो सब भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप ज़्यादा घूमते हैं तो आपके लिए लैपटॉप अच्छा है, नहीं ज़्यादा घूमते हैं आपका ऐसा काम है कि आप एक जगह बैठ कर काम कर सकते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा है। आप अपने हिसाब से देखिए, आपको इतने सारे पॉइंट मैंने दिए, अब आपको ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें कंप्यूटर किसी में अच्छा है तो उसको आपका ज़रूरत है, जैसे कि आपको कंप्यूटर थोड़ा ज़्यादा पावर देता है तो क्या आपको उतना पावर का ज़रूरत है, ये आप देखिए कि अगर आपको उतना पावर का ज़रूरत है तो आप कंप्यूटर के साथ जाइए, लैपटॉप के साथ मत जाइए। अगर आपका पावर थोड़ा कम पावर में भी काम चल जाएगा तो आप लैपटॉप के साथ जाइए, कंप्यूटर के साथ मत जाइए। और ये जो लैपटॉप है ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है, आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कीजिए और अपने ही से चूज़ कीजिए और आप बताइए आप कि आप क्या लेंगे।